शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एक खास मुलाकात इनवीसीएन की खास पेशकश में। दोस्तों, कोरोना की इस पार्श्वभूमि पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कई लोगों से। इस स्थिति में जहां पर देश और पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र की अगर स्थिति देखें तो उस पर कई अटकलें और कई स्थितियां जो है बनती बिगड़ती जा रही हैं। राजकीय मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है, कल की स्थिति क्या होगी इस पर भी बातचीत हो रही है। आज इस पर टिप्पणी करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है शब्बीर अहमद विद्रोही जी। मैं इनका परिचय कर दूं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक खूबी इनमें यह भी है कि अपनी बात कहने का इनका एक अनोखा अंदाज होता है। ये खुद एक कवि हैं, अपनी बात बहुत ही सरलता से, सृजनता से वो रखते हैं। हमने भी इनकी बात सुनी है, आइए हम बातचीत करते हैं। सर, फिर से एक बार आपका स्वागत करते हुए मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा आज की इस परिस्थिति। कोरोना की स्थिति की तो बात चल रही है, लेकिन जो राजकीय हलचलें जो हमारे सामने आ रही हैं उस पर आप क्या टिप्पणी चाहेंगे कि ये जो खींचतान चल रही है, एक अनिश्चितता का एक बना बनाया माहौल बनाता हुआ कोई विपक्ष की बात करें, या क्यों ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये सब आशाएं जो होती हैं ये आदमी के मन में एक परिभाषाओं को जन्म दे देती हैं। ये राज्यपाल के यहाँ जाकर मिलने उलने की अटकलों से ये तरह तरह की बात आ गई, किसी ने पिता पुत्र का रिश्ता बता दिया, इससे ये स्थितियाँ आ गई। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र देख रही है, तो महाराष्ट्र के हलचल में उतनी वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही है जितना व्हाट्सएप पर और सारी चीज़ों पर चल रहा है। मगर आप एक सवाल कर देंगे कि बिला आग के धुआं नहीं होती है जी, फिर आप ये भी सवाल कर देंगे कि अगर पानी में हलचल है तो कुछ तो होगा जी। तो देखिए, एक बात आपको बता दें, ये होता है क्योंकि ये तीन पार्टियों की मेल की सरकार है, जिनकी बुनियादी कोई मेल नहीं है, जिनमें आपसी समन्वय नहीं है पुराने जी। ये तो चूंकि हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस प्रदेश की जनता को के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से और दोबारा चुनाव न लादा जाए इस उद्देश्य से एक तरह का गठन करके सरकार को बनाने का उन्होंने कार्य किया और ये सफल सरकार रहेगी। कारण ये कि जब तीनों की भावनाएं जनहित में कार्य करने का है तो इसमें किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आ सकती हैं। मेरा यह सवाल है कि कोरोना की पार्श्वभूमि पर क्या किसी भी पक्ष ने राजनीति करनी चाहिए? देखिए, मैं तो जानता हूं कि करनी ही नहीं चाहिए। कारण ये है कि सेवा, आज ये कोरोना पर भी अगर आप बात करेंगे तो मेरे बड़े अलग विचार हैं, ये कोरोना है कि डरोना है जी। क्योंकि जितना कोरोना के बारे में बताया जा रहा है, कोरोना एक कॉकटेल बना दिया गया। सर्दी है, कोरोना है, सर में दर्द है, कोरोना है, खांसी है, कोरोना है, नाक बह रही, कोरोना है, हार्ट के मरीज में जैसे सांस लेने में तकलीफ हुई, कोरोना है। मामला ऐसा आकर के फंस गया और ये उतना हानिकारक नहीं है जितना स्वाइन फ्लू था, इससे पहले आपका डेंगू था, ये सारी चीजें, क्योंकि मृत्यु दर को आप देख लीजिए और ठीक होने की दर को देख लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब किसी प्रकार की आपदा आई हुई हो तो इस आपदा में राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस आपदा में सहयोग करके सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाकर जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और जनता की भलाई के कार्यों में अड़ंगा डालना नहीं चाहिए। राजकीय स्थिति जो है, जो महाराष्ट्र की बनी हुई है, आप भी सरकार में हैं, आप कैसे समीक्षा करते हैं कि क्या जो हो रहा है, जो लोगों को तक बातें जा रही हैं, क्या ये सही तरीके जा, और प्रशासन की और जो ऊपर में जो पकड़ है, तो क्या लोगों के साथ में न्याय हो रहा है? देखिए, न्याय के तीन तरीके होते हैं, उस पर बहस करेंगे तो लंबी बात जाएगी। न्याय के बारे में कोर्ट भी बोलते हैं कि न्याय दिखाई देनी चाहिए कि न्याय हो रही है, और न्याय पाने वाले को भी लगना चाहिए कि हम न्याय पा रहे हैं। आज की स्थितियों में आप ये जो बात कर रहे हैं, आज ये बता दीजिए, लॉकडाउन के वजह से हम 15% की हाजिरी पर काम ले रहे हैं, कहीं 30% की हाजिरी पर काम ले रहे हैं, हमारे सबसे ज्यादा नर्स और पुलिस डॉक्टर्स, इनके कार्य में हमको 100% हाजिरी पर काम लेना पड़ रहा है क्योंकि जनता की सेवा का कार्य करना है। अब हालत यह है कि पुलिस के लोग खुद ही कोरोना में जाने लगे हैं,
फिर क्या नाम है कि डॉक्टर बीमार पड़ने लगे हैं जी। तो ये सब जो संक्रामक रोग है ना जी, ये जी, संक्रामक जी, रोग जब वो फील्ड में रह के काम कर रहे हैं तो ये उसके मतलब भाई जैसे कीचड़ के बाजू में छींटे पड़ेंगे कीटाणु आएगा, कीटाणु जो है नुकसान पहुंचाएगा जी। तो ऐसी परिस्थितियों में हर जनता का भी फर्ज बन जाता है कि अपने आस पास पड़ोस के लोगों की सेवा करे और उसे ये ना एहसास होने दे कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा मेरे जी, भाई जी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इस बीमारी का इतना हुआ मीडिया द्वारा फैला दिया गया जी कि आज मानसिक रोग पैदा हो चुका है, मतलब जिसको कोरोना नहीं है वो भी मानसिकता की वजह से। अरे भाई साहब, किसी के दरवाजे आप मिलने जाइए तो वो मिलने को इसलिए तैयार नहीं है कि कहीं ये मुझे कोरोना ना दे दे, और कहीं वो आदमी आने से डर रहा है और जो जाने वाला डर रहा है कहीं उसके घर से मुझे कोरोना ना मिल जाए। आज कोरोना की ये स्थिति है कि अपने पिता की लाश को छूने के लिए बेटे नहीं तैयार है। आपने अकोला की स्थिति देखा, जहां हमारे जावेद जकरिया ने, कच्ची मेमन का वो प्रेसिडेंट है, वो उस चीज में आगे बढ़ करके देशमुख का इनका उनका जाकर के उसने ये कार्य को किया। देखिए विपत्ति जो है, इस पर एक दोहा याद आ गया, मैं आपसे कह दें, जरूर जरूर। रहीम दा ने कहा था, रहीमन बुरे दिन भले जो थोड़े दिन होए, हित अहित जगत में जान पड़े सब कोई जी। कौन अपना है कौन बिकाना है ये बुरे दिन के आने पर पता चल जाता है। और जो सरकार की बात आपने कहा, ये पता चलना चाहिए कि जनता के हित में कौन है। सरकार को चलने देना चाहिए और जनता को आगे बढ़ने देना चाहिए। प्रशासन के अपनी कोशिश है, जैसा आपने कहा कि डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, ये सब भी अपनी तरह से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोरोना का प्रभाव देखा गया है, जो लोगों की सेवा करते करते कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि लोगों का जो प्रतिसाद है वो भी कई जगह पे वो आक्रोशित दिखाई दिए, उनका भी जो समर्थन था या उनको भी जो नजरिया था, तो उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए एक चीज आपको बता दूं, लॉकडाउन जो किया गया वो योजना के तहत नहीं था, योजनाबद्ध नहीं था, तरीका नहीं था जी। लेकिन इसमें जो सफलता थोड़ी सी जो भी मिली वो जनता के सहयोग से मिली। जनता, पास पड़ोस के लोगों को की भूख मिटाने का काम सरकार ने कम किया, जनता ने ज्यादा किया जी। और आपको बता दूं कि आज जो आप विशेष ट्रेनें दे रहे हैं, श्रमिक ट्रेनें दे रहे हैं, ये बात लॉकडाउन लगाने से पहले करना था। तो मेरा अपना मानना है मेरे भाई कि बीती ताही पिसारदे आगे की सीधले, जो भूल हो गई उस पर हम चर्चा ना करें जी। लेकिन आगे की बातों के लिए योजना तो बनाकर चले। आप ये बता दीजिए, आप लॉकडाउन हटाएंगे, क्या योजना है आपके पास, कैसे आएगा, भरमार बढ़ेगा? जैसे आज देखिए मजदूर गए हैं गांव के तरफ, तो शहरों का कोरोना गांव में पहुंच गया और आप खोलने का आज ऐलान करेंगे, आप बताइए मजदूर के बगैर उत्पादन कैसे करेंगे, और उत्पादन भी करेंगे तो ग्राहक के बगैर उसकी खरीदारी कैसे होगी? दुकानों का ये है, आज स्थिति ये आ गई है देश में, किसान आत्महत्या कर रहे थे जी, मजदूर पैदल चले गए, भूखे मरने लगे जी। अब मध्यम वर्ग का व्यापारी की बारी आ गई है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हटने के बाद की स्थिति की भी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए जी। और इस प्लानिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समन्वय होना चाहिए। देखिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पहली बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आर्थिक जो चीजें होती हैं उसके स्रोत होते हैं, कुछ हमको सेंट्रल से आता है, कुछ स्टेट में कर लगा करके। आज की स्थिति तो ये है कि जनता को सेवा देना है तो कर बढ़ाने का प्रश्न नहीं आता। हमारी जीएसटी के पैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही है, हमारे जो इनकम टैक्स के गए हुए हिस्से आते हैं वो दे नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में जो जनता की सेवा की योजना कैसे बनाई जाए, हमारी सरकार जो महाराष्ट्र की सरकार है वो केंद्र का मुंह देख रही है, अपने स्तर पर जितनी उसकी ताकत है उतनी सेवा कर रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि इन प्लानिंगों को लेकर चलना चाहिए और इन्हीं प्लानिंगों के आधार पर मेरा अपना मानना है कि पवार साहब हमारे जो उद्धव ठाकरे से मिलने गए इसी प्लानिंग के तहत गए होंगे कि भाई आने वाले समय को हम लोग कैसे निस्तारण करें।
पत्रकारों ने इसका कोई भी मानी निकाल ले तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। उसके पीछे का कारण ये भी था विद्रोही जी, क्योंकि सिर्फ शरद पवार ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई लोग एक साथ जो है बारी बारी से राजभवन में जो है राज्यपाल को मिलने गए, इसलिए जो है राजनीतिक गलियारों में जो अटकले है जो अपने अलग प्रारूप में प्रस्तुत है लोगों के सामने। देखिए, राज्यपाल के द्वारा ही हम केंद्र को अपनी भावनाओं से सूचित कराते हैं। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि हमारे नेतागण जा रहे हों, चाहे कोई जा रहे हों, वो राज्यपाल से कहने जा रहे हों कि सरकार की सुविधाओं को केंद्र से जल्दी दिलाने का काम कीजिए, ये भी बातें हो सकती हैं। देखिए, जो चीजें पर्दे में है उसके कई मानी लगाए जा सकते हैं, सिर्फ अटकल ही लगाए जा। जी जी, और उसी अटकल में जैसे हम तीर मारते हैं, तुक्का मारते हैं, एक आध बैठ जाता है। आपकी, तो ये आपकी आपकी कविता की भाषा में कुछ कहिए ना इस पर। इस पर मेरा तो अपना ये है कि ये वो जो भी है दरबार में जाने लगे। जी, ये वो जो भी है दरबार में जाने लगे, सरकार गिर रही है पत्रकार फरमाने लगे। ये आप सीधा सीधा मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं। नहीं, मीडिया पर तो मीडिया को तो एक धागा मिल जाए तो उसके छोर तक पहुंचने का कार्य करती है, और वो सर अधिकार भी है मीडिया का। नहीं, मेरा अपना आपका अधिकार है सच्चाई को उगलवाने के लिए, क्रास ये वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना, ये आपका काम है। आपके आपके जवाब से ही हम लोगों को सवाल निकालना पड़ेगा। जी, वो तो है, मैं कहां कह रहा हूं कि आप ना निकालिए, लेकिन ऐसे निकालने में, देखिए पॉकेट से पेन को निकालना बड़ा आसान है, लेकिन पिन को निकालने में खोल के निकाला कीजिए, खींचेंगे तो पॉकेट फट जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए पेन और पिन निकालने की प्रथा में आप जाइए, क्योंकि जनता जो है मीडिया को सुनकर के अपनी भावनाएं बनाती है। तो आज मेरा ये कहना है, कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदारियां होनी चाहिए। आज जो कोरोना का डर जो पैदा कर दिया गया है, कोरोना का तो ऐसा डर पैदा कर दिया गया है मीडिया के द्वारा कि आप पूछिए मत, बोल नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, जनता भयभीत है। और आपको मालूम है, कोरोना से लड़ने के लिए मानसिक मजबूती जरूरी है। जी, और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके अंदर लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, और जो हिम्मत ही है वो कोरोना से कभी भी नुकसान नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा कि मीडिया जहां पर ये दिखा रही है, वहां पर सर आप को मैं ये भी बता दूं कि कई सारे अगर आप बीसीएन भी देखते होंगे तो हमने कई सारी ऐसी उपाय योजना की, कोरोना से इस घड़ी में कैसे मानसिकता से भी आपने लड़ना चाहिए, सारी भी हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप, मैं ये चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्या सलाह देंगे। देखिए, मैं एक बात आपसे, आपकी मीडिया की जो बात है, देखिए मीडिया ये कहती है मेरा काम सच्चाई दिखाना है। जी, एक बात मैं उदाहरण के स्वरूप आपसे कह दें कि माँ को माँ कहिए या किसी को माँ कहिए, बुरा नहीं मानेगी, गले लगा लेगी, लेकिन सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि माँ को बाप की बीवी कहा जाए, क्योंकि बगैर बाप की बीवी के वो माँ हो नहीं सकती, ये भी सत्य है। तो दिखाने के कई रास्ते होते हैं, कुछ न कुछ पर्दे के होते हैं, साहित्यिक शब्द होते हैं, जैसे कि छुपा रहा, फंसा रहा, ये जुमले है। फंसा रहा मतलब वो बीबस है, छुपा रहा यानी जानबूझ करके गया हुआ है। तो शब्दों के प्रयोग में मीडिया के द्वारा जानते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें कि मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये समाज को उठा दे और उठे हुए को दबा दे, बिगड़े हुए को समझा दे और समझे हुए को उठा दे, ये सारी चीजें तो है। और इसी के लिए किसी शायर ने कहा है कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, और बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। क्या बात, क्या बात, लिख दे किताब होती है, बात फिसल जाए खुराफात होती है, बात में क्या ढूंढते हैं आप, बात की अपनी बात होती है। वाँ वाँ। ये तो बातों में ही सब कुछ है, बात ही फिसल जाए तो खुराफात हो जाए, बात समझ जाए तो फिर बात हो जाए। बहुत अच्छी बातों का सिलसिला आपने चालू किया, और बातों की बातों में ही आपने बहुत बेहतर बात हमारे दर्शकों को बताई। नहीं, आपने एक क्वेश्चन किया कि दर्शकों को आप देना क्या। जी बिल्कुल, आपकी बातें मीडिया के मार्फत हम चाहते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे। मैं दर्शकों से एक ही बयान करूंगा और एक ही बात कहूंगा कि आप दर्शक न बने, आप काम करके शीर्षक बने। किसी भी हेडिंग से आधी न्यूज मिल जाती है। सेवा के भाव को दीजिए, और इसके लिए मैं आपसे विनती कहूंगा कि किसी भी परेशान आदमी को न उसके जात से देखिए, न नाम से देखिए, बल्कि मैं ये साफ कहता हूं कि न हिंदू की नजर से देखो, न मुसलमान की,
नजर से देखो, हर कोई को एक इंसान की नजर से देखो, और जब यही नजर रखोगे तो देश का बच्चा बच्चा इंसान बनेगा, तब अपना भारत देश महान बनेगा। बहुत बेहतर तरीके से शब्बीर सर आपने हमें ये बात समझाई है। हम भी दर्शकों से अनुरोध करें कि इस वक्त जरूरत है इंसान बने रहने की। कोरोना का ये महामारी का जो संकट है, ये तो एक दिन निकल ही जाएगा या हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, लेकिन जीने की राह जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।